प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे को अपनाते हुए जिला कांगड़ा के रैत गांव की महिला सुदर्शना देवी देशवासियों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं। दिव्यांग होने के बावजूद सुदर्शना ने अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए चीड़ की पत्तियों से घरेलू प्रयोग में आने वाले कई आकर्षक उत्पाद बनाए हैं। राज्य स्तरीय स्टार्टअप अवार्ड सम्मानित सुदर्शना देवी इन उत्पादों के सहारे घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी सहयोग कर रही हैं। मोदी जी का आह्वान था कि वोकल फॉर लोकल, तो मैंने सोचा कि इसको मैं इसका क्या करूं, तो मेरे दिमाग में आया कि राखियां बनाऊं मैं, अगर बन जाएंगी तो मैंने प्रयास किया तो इसकी राखी अच्छी बन गई और सुंदर लगी मेरे को। तो इसमें राखियां बनाने में मैंने पाइन नीडल का यूज़ किया, धागे का यूज़ किया और थोड़े थोड़े मोतियों का भी यूज़ किया। चीड़ की पत्तियों पर साल 2007 से काम कर रही सुदर्शना का कहना है कि उन्होंने इन पत्तियों से टोकरी बनाने की शुरुआत की थी। लगातार काम करने के साथ साथ उन्हें नए नए विचार आते गए और उन्होंने चीड़ की पत्तियों से घरों में इस्तेमाल होने वाले कई सारे सजावटी उत्पाद भी बनाए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में स्टार्टअप हिमाचल की ओर से उन्हें IIT मंडी ने 1 लाख रुपए का हीरो ऑफ स्टेट अवार्ड भी प्रदान किया था। जो शुरू किया था इस काम को, तो एक छोटी सी बास्केट से शुरू किया था। उसके बाद मेरे दिमाग में नए नए आइडिया आने शुरू हुए। चपाती बॉक्स हो गया, पेन स्टैंड हो गया, टी कोस्टर सेट हो गया, ट्रे हो गई। उसके बाद नए नए आइडिया आए और जो जो प्रोडक्ट मेरे दिमाग में आता गया, मैं वैसे वैसे वो प्रोडक्ट तैयार करती गई। तो 2007 से लेके 2017 तक तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, लेकिन 2018 में मेरे को स्टार्टअप इंडिया, जो एक स्टार्टअप हिमाचल की तरफ से मेरे को IIT मंडी में हीरो ऑफ द स्टेट अवार्ड मिला। गौरतलब है कि शुरुआत में चीड़ की पत्तियों के कई उत्पाद बनाने के बाद सुदर्शना को उन्हें बाजार तक पहुंचाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना कार्य लगातार जारी रखा। अपनी दिव्यांगता को उन्होंने कभी भी कार्य में बाधा नहीं बनने दिया। सुदर्शना ने अपनी मेहनत से देशवासियों के लिए भी कुछ नया करने की मिसाल पेश की है और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी दी है।